अंबाला में हो रही लगातार स्नेचिंग व चोरी की वारदातों को रोकने के लिए अंबाला पुलिस ने अभियान चलाया हुआ है, जिसमें बलदेव नगर थाने में दर्ज बाइक चोर आरोपियों ने रिमांड के दौरान अपने दो साथियों के नाम बताए। इन दोनों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और 7 बाइक भी बरामद की गई हैं। इन दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूरी जानकारी ली जाएगी। अंबाला में बाइक चोरी का गिरोह लगातार सक्रिय होता जा रहा है, जिसको लेकर अंबाला पुलिस स्नेचर्स और चोरों के खिलाफ अभियान चलाए हुए हैं। अंबाला पुलिस ने पिछले दिनों बाइक चोरों को पकड़ा था और उनसे भी कई बाइक्स बरामद की गई थी। रिमांड के दौरान उन आरोपियों ने दो और साथियों के नाम को बोले, जिस पर ज्यादा जानकारी देते हुए पूजा डावला ने बताया कि 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे 7 बाइक्स बरामद की गई हैं। ये दोनों आरोपी अंबाला के ही रहने वाले हैं। पूजा डावला ने बताया ये दोनों चोर नशे के लिए चोरी करते थे और पूछताछ में पता लगाया जाएगा कि ये बाइक की खरीद फरोख्त किस तरीके से करते थे। उन्होंने बताया कि अंबाला पुलिस का अभियान आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगा। जैसा कि आप सबको बताया कि जितनी भी चोरी स्नैचिंग की वारदात हो रही है, इनके लिए विशेष अभियान समय समय पर हमारे द्वारा चलाए जाते हैं। तो इसी के अंतर्गत जो है अभी हमने एक गिरोह जो है गिरफ्तार करा है, जो बाइक चोरी करते थे। तो हमारे जो बलदेव नगर थाने में कुछ बाइक चोरी के मुकदमे दर्ज हुए थे, तो उसी के अंतर्गत हमने 17 सितंबर को है जो एक गौतम पाल निवासी दुर्गा नगर अंबाला शहर, सबसे पहले इसको हमने गिरफ्तार किया, इसको रिमांड पे लिया गया। पुलिस रिमांड पे है, जो इसने दो अपने गिरोह के और सदस्यों के नाम बताए, जिनके नाम है बलकार सिंह उर्फ गोलू और हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी, दोनों ही अंबाला शहर के निवासी हैं। तो जब इनसे गहनता से पूछताछ करी गई तो इनसे आरोपियों से हमने 7 जो है बाइक बरामद करी है। तो ये हमारी जो है एक अंबाला पुलिस की अचीवमेंट है। अभी इनको जो है रिमांड पे लिया जाएगा और गहनता से पूछताछ फिर से करी जाएगी कि क्या इनका मोडस ऑपरेंडी था और फिर कहाँ ये जो है मोटरसाइकिल बेचते थे और आगे क्या कुछ करते थे, वो इनसे पूछताछ करी जाएगी रिमांड पे लेके। इस बारे में भी जो है छानबीन करी जाएगी। का ही रीजन निकल के आता है, कोई भी जब हम जनरली कोई भी चोरी की वारदात ट्रेस होती है तो नशा जो है मेन रीजन निकल के आता है। और नशे के लिए आप देख रहे हैं कि निरंतर हमारे अभियान चल रहे हैं और डेली कोई ना कोई हम नशे की जो है एक रेड कर रहे हैं, नशा बरामद कर रहे हैं। तो ये भी हमारी एक अच्छा ऑपरेशन जो हमारे चल रहे हैं, उसके रिगार्डिंग हम पूछताछ गहनता से करेंगे कि ये कहाँ बेच रहे थे, हरियाणा में बेच रहे थे या हरियाणा के बाहर बेच रहे थे, उसके रिगार्डिंग रिमांड पे लेके पूछताछ करी जाएगी। अभी पेश करे जाएंगे फिर रिमांड लिया जाएगा, क्योंकि अभी और भी जो हमने गिरफ्तार करे हैं ना 2 लोग, तो इनसे अलग अलग पूछताछ करी जाएगी, इनसे कनेक्ट करी जाएंगी चीजें कि ये कर क्या रहे थे, कैसे चोरी कर रहे थे, कहाँ बेच रहे थे, और आगे भी कोई इनका कोई गिरोह है तो उस तक भी पहुंचा जाएगा। और तो कोई नहीं कर नहीं अभी तक तो हमारे पास 7 मोटरसाइकिलें हमने बरामद करी है। बलदेव नगर से।